भूपेंद्र पटेल ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल के सहित राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और 12 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लेंगे नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब नए सरकार की गठन की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी के साथ ये सरकार बर्खास्त हो गई है। हालांकि फिलहाल ये सरकार कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करेगी। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर 182 में से 156 सीट हासिल करने वाली बीजेपी की अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री करीबन 12 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्य हर्ष संघवी, ऋषिकेश पटेल और प्रदीप परमार के साथ राजभवन पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इनके साथ थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत को मिलकर पूरे मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद से ही पुरानी सरकार को विसर्जन हो गया। लेकिन ये सरकार नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करेगी। इस्तीफे सौंपने के बाद नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र देकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। सूत्रों की माने तो कल सुबह 10 बजे बीजेपी के गांधीनगर कार्यालय कमलम में नई सरकार के गठन को लेकर विधायक दल के नेता का चुनाव और सभी विधायकों की एक बैठक होगी, जिसमें पूरे 156 विधायक हाजिर रहेंगे। इस्तीफे के बाद से ही नए सरकार और नए मंत्रिमंडल की गठन की प्रक्रिया को लेकर अब कवायद पूरी तरह से तेज कर दी गई है। मैं बता दूं कि भूपेंद्र पटेल सरकार के 20 में से 19 मंत्रियों की इस विधानसभा चुनाव में जीत भी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई पुराने चेहरे रिपीट हो सकते हैं और मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी स्थान मिल सकता है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।